हम सभी लोगों का अधिकार है अपनी बात को रखने के लिए, और बात को रखने के लिए जब सूचना दे के हम लोग गए हैं, और जिस तरह से सरकार के गुंडा लोगों ने जिस तरह से लाठी चार्ज किया है, और हमारे जो कार्यकर्ता विजय जी की जो हत्या हुई है, और एसपी कहते हैं कि नहीं वो ऐसे ही छज्जू बाग में गिर गया, और वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि वो उनको अंदरूनी चोट लगी है जिसके कारण उसकी मौत हुई है। अब दोनों आप देख लीजिए कि कैसी सरकार है। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। कल बिहार विधानसभा का घेराव बीजेपी के द्वारा किया जाना था निखिल, उसके बावजूद भी उनको कल डाकबंगला पर रोक दिया गया और पटना पुलिस ने जमकर उन पर लाठियां चटकाई हैं। वहीं कल एक बीजेपी के नेता की मृत्यु भी हो गई है। आपको बता दें कि उसको लेकर आज बिहार विधानसभा में काफ़ी गर्माहट रही है। बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो काला पट्टा पहनकर प्रदर्शन भी कर रहे थे। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री बीजेपी से रेणु देवी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम सभी लोगों का अधिकार है अपनी बात को रखने के लिए, और बात को रखने के लिए जब सूचना दे के हम लोग गए हैं, और जिस तरह से सरकार के गुंडा लोगों ने जिस तरह से लाठी चार्ज किया है, और हमारे जो कार्यकर्ता विजय जी की जो हत्या हुई है, और एसपी कहते हैं कि नहीं वो ऐसे ही छज्जू बाग में गिर गया, और वहाँ डॉक्टर कहते हैं कि वो उनको अंदरूनी चोट लगी है जिसके कारण उसकी मौत हुई है। अब दोनों आप देख लीजिए कि कैसी सरकार है। अरे चोट कहाँ लगा है, तो इसी तरह डॉक्टर सुपरिटेंडेंट ने लिख दिया कि वो अंदरूनी चोट के कारण मार खाए हैं। ये क्या डॉक्टर झूठे बोल रहे हैं और एसपी सच बोल रहे हैं? एक गुंडागर्दी है। ऐसे लोगों पर हम लोग मुकदमा चलाएंगे, हम लोग मुकदमा चार्ज कराएंगे। और सबसे बड़ी बात है, ठीक है लाठी चार्ज हो, हाथ पैर पर मारो ना कि सर पर मारोगे। कितने हमारे लोग सर पर टूटे हुए हैं, और महिलाओं के साथ में इस तरह से महिलाओं के ऊपर, आपकी माँ बेटी बहन नहीं है क्या? गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में भी तो ऐसा ही हुआ था ना, विधानसभा में ऐसा हुआ था, उसका बदला चुका रहे थे क्या? उसका बदला ही चुका रहे थे ये। तो आपने देखा कि किस तरीके से रेणु देवी काफ़ी गर्म है। उन्होंने कहा है क्या 23 मार्च का बदला लिया जा रहा था कल, जिस तरीके से हम लोग पर लाठियां चटकाई गई हैं और हमारे एक नेता की मृत्यु भी हो गई है, क्या ये बदला निकाला जा रहा था? तेजस्वी सरकार और नीतीश कुमार क्या हम लोग से बदला ले रहे थे? इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।